श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास द्वारा बैठक की गई। श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास की ओर से छोटी पियरी स्थित वेद भवन के सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का आयोजन नगर में सनातनी अजय शर्मा को जिस तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार किया उसका विरोध लोगों ने दर्ज कराया और इस मुहिम को आगे और भी चलाने का लोगों ने संकल्प लिया। न्यास के लोगों का कहना है कि साईं बाबा की हिन्दुओं के मंदिर में मुस्लिम की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मंदिरों में इस मूर्तियों को नहीं हटाया गया तो न्यास के लोग नगर के हर मंदिरों में जाएंगे और इनके बारे में विस्तार से बताएंगे, चर्चा करेंगे, प्रमाण देंगे, गांधीवादी तरीके से मूर्तियों का हटवाने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर प्रमुख रूप से बैठक में रामप्रसाद सिंह, राकेश तिवारी, योगिता तिवारी, वंदना रघुवंशी, आशुतोष भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में न्यास के लोग उपस्थित रहे। श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास का मैं प्रबंध ट्रस्टी हूँ। क्या है आज किस तरह की बैठक चल रही है? देखिए, अभी हाल में एक घटना घटी है। प्रशासन ने जबरदस्ती पंडित अजय शर्मा जी को जेल में डाल दिया उठा करके, और काशी में अब एक नया संकट खड़ा हो गया है। विगत कुछ वर्षों में सुनियोजित तरीके से पैसे का लालच दे करके हमारे मान्य मंदिरों में साईं की मूर्ति बैठा दी गई है। वह साईं कौन है उसका इतिहास हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, सारे लोग जान रहे हैं। वह एक मुस्लिम है, अफगानी लुटेरा था जो भारत में आया था लूटने की दृष्टि से, और उसके बाद में वो धीरे धीरे पूर्वोत्तर के रास्ते भारत, पश्चिमोत्तर के रास्ते से भारत में घुसा, धीरे धीरे वो दक्षिण का रास्ता पकड़ लिया, वो चला गया, पहुंच गया नासिक, उसकी टुकड़ी हो गई ख़त्म। वहाँ वो बैठ करके उसने कहा कि हमको खुदा का इल्हाम हो रहा है, हम उसके दूत हैं, और उसने आशीर्वाद देने लगा। आज के समय में हमारी हिंदू महिलाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है, अपने देवी देवताओं को छोड़ करके वो मज़ारों और कब्रों दरगाहों पे अधिक सब पूजने लगी हैं। वो पूजने का नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे सर्वाधिक चढ़ावा आने लगा। अब उस चढ़ावे का इतिहास ये है कि इन लोगों के दिमाग में यार काशी के मंदिरों को, संस्कृति को नष्ट करना, हमारे देवालयों शिवालयों में मूर्ति, साईं की मूर्ति को बैठाना, जबकि इस्लाम में ये हराम है, मूर्ति पूजा नहीं होती है। हमारा कोई इतराज नहीं है, आप पूजो, आप ले जाओ मस्जिद में बैठा दो, अपने घर में बैठा लो साईं को, लेकिन हमारे देवालयों शिवालयों में साईं का कोई स्थान नहीं है। हमारे लिए इसका कोई ज़बरदस्ती विरोध भी नहीं, हम निवेदन के साथ कह रहे हैं कि आप मंदिरों से हटा लो। हमारे किसी भी मंदिर में पुजारी और जो संत महंत हैं उनको कोई अधिकार नहीं है कि साईं की मूर्ति को वो स्थापित कराएं। हमने बहुत सारे ऐसे मंदिरों का पड़ताल किया है हम लोगों ने, जहां पर पैसा ले करके साईं ट्रस्ट ने पैसा दे करके उनको लालच में वहां पे मूर्ति स्थापित की है। बड़ा गणेश ये लोहटिया में जो है उसका एक सीधा साधा नमूना है। अब जब मूर्तियाँ हटना शुरू हो गई हैं तब इन लोगों को तकलीफ हो रहा है। अब ये जिसको तकलीफ हो रहा है, कौन है वो जिसको तकलीफ हो रहा है? साईं ट्रस्ट को हो रहा है तकलीफ, जो जिन लोगों को मूर्तियां रखने से फायदा हो रहा है, धन का अर्जन कर रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है, और किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। लड़ रहे हैं उसमें अभी एक लोग जेल गए हैं, और बाकी आप लोग आगे किस तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे? देखिए, हम लोग, हमारा अभियान ही एक है, हम लोग अपने देवालय शिवालय को, काशी को मुक्त कराकर पवित्र रखना चाहते हैं। हम किसी भी धर्मी की मूर्ति नहीं चाहते, हमारी लड़ाई सिर्फ इसी बात की है। प्रशासन द्वारा रोक लगाई जा रही है? नहीं, प्रशासन द्वारा रोक लगाई जा रही है, ठीक है, प्रशासन अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। ऐसी जगहों पे जहां अभी मूर्तियां रखी हुई हैं, ऐसे सैकड़ों मंदिर अभी भी हैं जहां पे मूर्तियां रखी हैं, हम उनको निवेदन करेंगे, उनको बताएंगे, उनको ये साईं ट्रस्ट की सच्चाई बताएंगे, साईं की सच्चाई बताएंगे, साईं के सच्चरित्र में क्या लिखा हुआ है वो बताएंगे। साफ साफ लिखा है साईं एक मुसलमान है, साईं मांस खाता है, साईं जो है शराब पीता है, तो हमारे मंदिरों में साईं की मूर्ति की जगह नहीं है। हम निवेदन सिर्फ करते हैं वो स्वेच्छा हटा लें।